हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर एडिटिंग। सो गाइज, आज के ट्यूटोरियल में हम डेविल विंग्स कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। ओके गाइज, एंड ये फोटो कुछ इस तरह से होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड हाँ गाइज, आप लोगों को थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने 50,000 फैमिली कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइज, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें एंड मैं आपको अच्छे 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 वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। एंड आप लोगों को एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके सो गाइज, आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से फोटो क्लिक करवा लेना। आप देख सकते हैं, आप इस तरह से पोज में फोटो क्लिक करवा लीजिएगा। ओके गाइज, एंड इसके बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, तो यहाँ से हम जाएंगे टूल्स में, एंड टूल्स में जाने के बाद फिर क्रॉप पे क्लिक करना, और इसके बाद हम अपने फोटो को कुछ जूम कर लेते हैं। ओके गाइज, एंड साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और सिर्फ अपने मॉडल के ऊपर इस तरह से हम पेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ। ओके सो गाइज, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को परफेक्टली रिमूव कर दिया है। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में, एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। एंड इसके बाद हम बैकग्राउंड को लेकर आएंगे, तो सिंपली हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और अपने बैकग्राउंड को यहाँ से चूज कर लेंगे। सो गाइज, हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड हमेशा की तरह इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में, और विंग्स का पीएनजी जो है उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, एंड आपको इस तरह से अपने बैकग्राउंड के ऊपर लगा देना है, जो कि आप परफेक्टली बैठ जाएगा, एंड सिंपली इसे यहाँ से डन कर देना है। सो गाइज, इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है। तो सिंपली आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लेता हूँ अपने फोटो के हिसाब से। ओके सो गाइज, इसके बाद हम अपने पैरों के नीचे शैडो लगाएंगे, तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद ये दो शैडो का पीएनजी है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है और अपने पैरों के नीचे लगा देना है। तो सिंपली हम यहाँ से इस तरह से इसे लगा देते हैं, जो कि एक रियलिस्टिक लुक देता है शैडो। ओके गाइज, तो आप अपने फोटो में जरूर से शैडो लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अच्छी तरह से, एंड इसके ओपेसिटी को हम यहाँ से कम कर लेते हैं, और सिंपली इसके बाद डन कर देंगे यहाँ से। सो गाइस, हमारे यहाँ इतना काम हो चुका है, एंड इसमें एक और पीएनजी है कोई ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और ये वाली पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना। ओके गाइस, एंड आपको इस तरह से लगा देना है, और सिंपली इसे कुछ ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ओके गाइज, एंड सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना है। सो गाइज, हमने यहाँ पर सभी बैकग्राउंड एंड पीएनजी को एडजस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का टोटल काम हो चुका है, एंड इसमें कुछ कलर करेक्शन करना है। तो सिंपली हम इसे यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइज, इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं लाइटरूम की तरफ। ओके गाइज, तो हम यहाँ पर लाइटरूम में आ चुके हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ से सन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ओके गाइज, एंड इसके हाईलाइट को यहाँ से इंक्रीज कर लेना है, 40 कर लेते हैं। ओके, एंड इसके व्हाइट को भी हल्का सा इंक्रीज करेंगे, और इसके बाद यहाँ से ब्लैक को हल्का सा कम कर देना है। सो गाइज, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे थर्मस वाले आइकन पे, और यहाँ से मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद ये एंड आपको सेकेंड वाले कलर को चूज कर लेना है, और इसके लुमिनेंस को यहाँ से इंक्रीज करेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट कलर पे, एंड इसके लुमिनेंस को हम इंक्रीज कर लेते हैं, और ह्यू को यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं। सो गाइस, इसके बाद हम यहाँ से ब्लू वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसको सैचुरेशन को यहाँ से माइनस कर लेना है, माइनस 49 कर लेते हैं, 50 के आसपास, और सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना है।
ओके सो गाइज, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे नीचे वाला ऑप्शन पे एंड इसके क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। सो गाइज, आप अपने फोटो में क्लियरिटी को जरूर से ऐड कीजिएगा, जिससे हमारे फोटो के रियलिस्टिक लुक और भी अच्छा लगने लगता है। ओके गाइज, एंड इसके बिगिनेट को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सो गाइज, इतना करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे एंड इसके शार्पनिंग को इंक्रीज कर लेते हैं एंड नॉइज रिडक्शन को हल्का इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारे फोटो की नॉइज कम हो जाएगी। ओके गाइज, तो गाइज इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में एंड अपने फोटो को यहाँ से जूम कर लेना है। ओके, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और सिर्फ अपने कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से हम यहाँ पे पेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिटेलिंग डालना है। ओके गाइज, सो इसके बाद हम यहाँ से सन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके एक्सपोजर को हल्का डिक्रीज कर लेना है। ओके गाइज, एंड यहाँ से एंड इसके बाद हम इसके क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे और शार्पनिंग को इंक्रीज कर लेना। ओके गाइज, एंड सो गाइज, इसके बाद सन वाला आइकन पे क्लिक करके थोड़ा इसके शैडो को भी डिक्रीज कर लेना। ओके, एंड सिंपली यहाँ से इसे डन कर देंगे। सो गाइज, इसके बाद फिर से हम यहाँ से सेलेक्टिव टूल पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, इसके बाद यहाँ से हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट कर लेना और अपने आँखों के ऊपर इस तरह से यहाँ पे डिटेल डालना है हमें आँखों के ऊपर, तो यहाँ से इस तरह से पेंट कर लेंगे। ओके गाइज, एंड डिटेलिंग वाले ऑप्शन में जा करके इसके क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेंगे। सो इसके बाद यहाँ से इसे डन कर लेना। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा फाइनली फोटो एडिट हो चुका है, मैंने कलर करेक्शन बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो सिंपली मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके गाइज, तो सिंपली यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।